आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है इब्रानियों की पत्री चौथा अध्याय। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कही यूं कहा था, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, परन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।